Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Research Methodology Mock Test Part 7 and we are going to cover next 25 questions on Research Methodology. From question number 151 to question number 175. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom Entrance Exam, MCom Entrance Exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने ऑलरेडी रिसर्च मेथडोलॉजी पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्स फिगर्स एंड अदर रिलेवेंट मटीरियल सर्विंग एज बेसिस फॉर अ स्टडी इज कॉल्ड। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि फैक्ट्स फिगर्स और बाकी के रिलेवेंट मटेरियल्स जो सर्व करते हैं स्टडी के बेस को, मतलब जिसके बेस के ऊपर स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन सैंपल, दूसरा ऑप्शन मेथड, तीसरा ऑप्शन डेटा और चौथा ऑप्शन थ्योरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फैक्ट्स फिगर्स एंड अदर रिलेवेंट मटीरियल्स Serving as basis for a study is called data. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला question, question number 152. Question है हमारा, there are mainly dash sources of data. ठीक है, mainly कितने तरीके के sources of data होते हैं? पहला option 10, दूसरा option 2, तीसरा option 5 और चौथा option 4. इस question का सही answer है There are mainly two sources of data. Data के mainly दो sources होते हैं। हमारा अगला question, question number 153. Question है हमारा, the original source from which researchers collects information is, जो original source है, जहां से researchers data collect करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला option primary source, दूसरा option secondary source, तीसरा ऑप्शन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते ही होंगे, द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच रिसर्चर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी सोर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन है हमारा, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। सोर्सेज ऑफ डेटा जो कलेक्ट और कंपाइल्ड दूसरों ने द्वारा किया गया हो, उसे क्या कंसिडर करेंगे, मतलब कौन सा सोर्स होता है, मतलब सोर्सेज ऑफ डेटा जो कलेक्ट दूसरे ने किया है और कंपाइल किया है, उस सोर्स को क्या कहेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइमरी सोर्स, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी सोर्स, तीसरा ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जानते हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन है हमारा, डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो डेटास होते हैं, उसे क्या कंसिडर किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन टेरिटोरियल डेटा, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, तीसरा ऑप्शन पेरिफेरल डेटा और चौथा ऑप्शन डेमोग्राफिक डेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड डेमोग्राफिक डेटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन है हमारा, डेटा रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड। डेटा रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड विच काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन डेमोग्राफिक, दूसरा टेरिटोरियल, तीसरा पर्सनल और चौथा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेटा रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड टेरिटोरियल डेटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टेरिटरीज होती है, टेरिटोरियल डेटा की बात होती है जब हम ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें। ठीक है, तो डेटा रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड टेरिटोरियल डेटा। और अगर डेमोग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे जेंडर की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, ठीक है, एज की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, ऑक्यूपेशन की बात होती है, अर्निंग इनकम की बात होती है, तो ये सारे का सारा डेमोग्राफिक में चला आता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 157 क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द
रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एनालिसिस के लिए रॉ मटेरियल है? पहला ऑप्शन वेरिएबल्स, दूसरा ऑप्शन प्रॉब्लम, तीसरा ऑप्शन डेटा, चौथा ऑप्शन सैंपल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डेटा। डेटा इज द रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन है हमारा, रेडीमेड एंड रेडीली अवेलेबल डेटा इज कॉल्ड डैश। ठीक है, अब समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बोला रेडीमेड डेटा या रेडीली अवेलेबल डेटा को क्या कंसिडर किया जाता है? पहला ऑप्शन प्राइमरी डेटा, दूसरा ऑप्शन पर्सनल डेटा, तीसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशनल डेटा और चौथा ऑप्शन सेकेंडरी डेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेडीमेड एंड रेडीली अवेलेबल डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो एक हिसाब से पब्लिश्ड होते हैं, जो किसी और ने कलेक्ट किए हैं और अपने उन्होंने रिपोर्ट में या कहीं पे भी उन्होंने प्रेजेंट किया है, पहले उन्होंने खुद से कलेक्ट किया वो प्राइमरी था, लेकिन उन्होंने कहीं पब्लिश कर दिया और उस पब्लिश्ड सोर्स को मैंने यूज किया, तो पब्लिश था रेडीमेड या रेडीली अवेलेबल फॉर मी, तो इट वॉज अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सेकेंडरी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन है हमारा, द वे और मोड ऑफ गैदरिंग डेटा। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं द वे एंड मोड ऑफ गैदरिंग डेटा इज कॉल्ड व्हाट। पहला ऑप्शन टूल, दूसरा ऑप्शन मेथड, तीसरा ऑप्शन टेक्निक और चौथा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वे और मोड ऑफ गैदरिंग डेटा इज कॉल्ड मेथड, और बेसिकली इसको कहते हैं रिसर्च मेथड। आप समझ रहे हैं ना, रिसर्च मेथड के अंदर ये चीज आती है जहां पे हम द वे एंड द मोड ऑफ गैदरिंग डेटा, किस तरीके से हम अपने डेटा को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन है हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेथड इज कॉल्ड। एक इंस्ट्रूमेंट जो मेथड में इस्तेमाल किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कंसिडर करते हैं? हमारा पहला ऑप्शन सैंपल, दूसरा ऑप्शन टेक्निक, तीसरा ऑप्शन टूल और चौथा ऑप्शन सर्वे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेथड इज कॉल्ड टूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड डैश एक्टिविटी। जो ऑब्जर्वेशन है वो फिजिकल के साथ साथ कौन सी एक्टिविटी है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, दूसरा ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटी, तीसरा ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी और चौथा ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड पर्सनल एक्टिविटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड अ मेंटल एक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल एक्टिविटी भी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 162 सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो फलानी लाइन बोली गई ना ऊपर जो आप देख रहे हैं लंबी चौड़ी, ये किसने बोली थी? ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा बेसिकली सोशल साइंस रिसर्च बिगिंस एंड एंड्स विद ऑब्जर्वेशन स्टेटेड बाय। ठीक है, ये किसने स्टेट किया था कि जो भी सोशल साइंस रिसर्च है ना वो शुरुआत भी होती है ऑब्जर्वेशन से और उसका जो समापन भी होता है ना, द एंड भी होता है ना, वो भी ऑब्जर्वेशन से होता है, तो ये किसने कहा था? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पीवी यंग, दूसरा ऑप्शन सिडनी, तीसरा ऑप्शन कैपलिन, चौथा ऑप्शन रोज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च बिगिंस एंड एंड्स विद ऑब्जर्वेशन इज स्टेटेड बाय सिडनी वेब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सिडनी वेब ने ये स्टेट किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 163 क्वेश्चन है हमारा, इन अ डैश ऑब्जर्वेशन रिसर्चर इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनमें से किस ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है? पहला ऑप्शन नॉन पार्टिसिपेंट, दूसरा पार्टिसिपेंट, तीसरा स्ट्रक्चरल और चौथा अनस्ट्रक्चर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी। इन अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्चर इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 164 क्वेश्चन है हमारा, इन अ डैश ऑब्जर्वेशन रिसर्चर स्टैंड्स अपार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट। किस ऑब्जर्वेशन में, मतलब किस ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो दूर खड़ा होता है और वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, इन अ डैश ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बिल्कुल सही। किस ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो दूर खड़ा होता है और डज नॉट पार्टिसिपेट। पहला ऑप्शन स्ट्रक्चरल, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड, तीसरा नॉन पार्टिसिपेंट और चौथा है पार्टिसिपेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इन अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्चर स्टैंड्स अपार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डैश। ठीक है, किसी भी इवेंट का ऑब्जर्वेशन पर्सनली ऑब्जर्वर अगर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑप्शन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 166 क्वेश्चन है हमारा, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप एसेट्रा आर डैश डिवाइसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और टेप रिकॉर्डर ये किस तरीके की डिवाइस है ऑब्जर्वेशन के लिए। पहला ऑप्शन कैजुअल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा टेक्निकल और चौथा मैनुअल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप एसेट्रा आर मैकेनिकल डिवाइसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 167 क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्वेशन इज ऑफ नो यूज इन कलेक्टिंग डैश। क्या कलेक्शन में या क्या कलेक्ट करते वक्त ऑब्जर्वेशन किसी काम का नहीं। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फुल इवेंट्स, दूसरा ऑप्शन पास्ट इवेंट्स, तीसरा ऑप्शन प्रेजेंट इवेंट्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑब्जर्वेशन इज ऑफ नो यूज इन कलेक्टिंग पास्ट इवेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन इज ऑफ नो यूज इन कलेक्टिंग पास्ट इवेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 168 क्वेश्चन है हमारा, अ टू वे सिस्टमैटिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पॉन्डेंट इज कॉल्ड। एक टू वे सिस्टमैटिक कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेटर और एक रिस्पॉन्डेंट के बीच में, उसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन स्केड्यूल, तीसरा ऑप्शन इंटरव्यू और चौथा ऑप्शन सिमुलेशन। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अ टू वे सिस्टमैटिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पॉन्डेंट इज कॉल्ड एन इंटरव्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन है हमारा, इंटरव्यू विद अ डिटेल स्टैंडर्डाइज स्केड्यूल इज कॉल्ड। इंटरव्यू जो डिटेल स्टैंडर्डाइज स्केड्यूल द्वारा बनाया जाता है, मतलब क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बेसिकली सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चनेयर बना लिया गया है और वो भी एक स्टैंडर्ड डिटेल स्टैंडर्ड स्केड्यूल बनाया गया है, तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्लिनिकल इंटरव्यू, दूसरा ऑप्शन स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, तीसरा ऑप्शन ग्रुप इंटरव्यू और चौथा ऑप्शन डायरेक्ट इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरव्यू विद डिटेल स्टैंडर्डाइज स्केड्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 170 क्वेश्चन है हमारा, एन इंटरव्यू इन विच इंटरव्यूअर इनकरेज द रिस्पॉन्डेंट टू टॉक फ्रीली अबाउट अ गिवन टॉपिक इज। एक इंटरव्यू जहां पे जो इंटरव्यूअर है वो इनकरेज करता है एक रिस्पॉन्डेंट को कि वो किसी भी एक टॉपिक पे फ्रीली बात करे, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन फोकस्ड इंटरव्यू, दूसरा ऑप्शन स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, तीसरा ऑप्शन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और चौथा क्लिनिकल इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंटरव्यू इन विच इंटरव्यूअर इनकरेज द रिस्पॉन्डेंट टू टॉक फ्रीली अबाउट अ गिवन टॉपिक इज स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन है हमारा, इंटरव्यू विच रिक्वायर प्रोबिंग इज कॉल्ड डैश। इंटरव्यू विच रिक्वायर्स प्रोबिंग, इंटरव्यू जिसमें प्रोबिंग की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले शब्द है प्रोबिंग को समझते हैं। प्रोबिंग का मतलब यह होता है कि प्रोबिंग इज अ स्पेसिफिक रिसर्च टेक्निक। ये एक स्पेसिफिक रिसर्च टेक्निक होती है जो बेसिकली इंटरव्यूअर्स यूज करते हैं और इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स टू जनरेट फर्दर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इसे हम प्रोबिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू विच रिक्वायर्स प्रोबिंग इज कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन क्लिनिकल इंटरव्यू, दूसरा ऑप्शन डेप्थ इंटरव्यू, तीसरा ऑप्शन ग्रुप इंटरव्यू और चौथा ऑप्शन टेलीफोन इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरव्यू विच रिक्वायर्स प्रोबिंग इज कॉल्ड डेप्थ इंटरव्यू। बहुत गहराई डीपली घुस के स्टडी करते हैं, सवाल पूछते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इंटरव्यू विच रिक्वायर्स प्रोबिंग इज कॉल्ड डेप्थ इंटरव्यू। ऑलराइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड रेस्पॉन्डेंट इज कॉल्ड डैश। एक दोस्ताना रिलेशनशिप इंटरव्यूअर और रेस्पॉन्डेंट के बीच में क्या कहलाता है। ठीक है, द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रेस्पॉन्डेंट इज कॉल्ड मोरल, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा रैपोर्ट और चौथा कंक्लूजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रेस्पॉन्डेंट इज कॉल्ड रैपोर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 173 क्वेश्चन है हमारा, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, जहां पे इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है मतलब प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं है, तो इंटरव्यूअर बायस हो जाता है और कहता है कि इज अ नॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, एक्सेट्रा इज द लिमिटेशन ऑफ वॉट। ये किसकी लिमिटेशन है? पहला ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन इंटरव्यू, तीसरा ऑप्शन सैंपल, चौथा ऑप्शन डेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, जहां पे इंटरव्यूअर बायस हो जाता है और कहता है इट्स अ नॉन रिस्पॉन्स इज द लिमिटेशन ऑफ एन इंटरव्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 174 क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज। हमें एक एग्जाम्पल देना है जहां पे नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। वो क्या क्या एग्जाम्पल है नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का? पहला ऑप्शन इंटरव्यू, दूसरा ऑप्शन ग्रुप इंटरव्यू, तीसरा ऑप्शन स्केड्यूल और चौथा ऑप्शन टेलीफोन इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टेलीफोन इंटरव्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 175 क्वेश्चन है हमारा, अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इन विच अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन इंटरेस्ट इंटरैक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एक मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा जहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका कॉमन इंटरेस्ट है आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टेलीफोन इंटरव्यू, दूसरा ऑप्शन है क्लिनिकल इंटरव्यू, तीसरा ऑप्शन है फोकस्ड इंटरव्यू और चौथा ऑप्शन है ग्रुप इंटरव्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इन विच अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन इंटरेस्ट इंटरैक्ट इज कॉल्ड ग्रुप इंटरव्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखा गए, बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड डे, गुड लक, बाय बाय।